कोरोना काळात सर्वसामान्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यावरही ह्या असंवेदनशील सरकारनं सतत आर्थिक अत्याचार करत असताना दिसत आहे. ह्याच कालावधीत भरमसाठ वीज दरवाढ करण्यात आली आहे. दुपटी 3 पटीपेक्षा जास्त बिल यायला सुरुवात झाली आहे. याचा निषेध करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी खारघर तळोजा मंडळाकडून महावितरणाविरोधात टाळाठोको आणि हल्लाबोल आंदोलन व निषेध करण्यात आला. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यापासून शेतकरी विद्यार्थी सर्वसामान्य नागरिक यांच्यावर सतत अन्याय होत असताना दिसत आहे. कोरोना काळात सर्वसामान्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यावरही या असंवेदनशील सरकारनं सतत आर्थिक अत्याचार करत असताना दिसतोय. याच कालावधीत भरमसाठ वीज दरवाढ करण्यात आली. दुपटी 3 पटीपेक्षा जास्त बिल यायला सुरुवात झाली. वातावरण थंड होण्यासाठी वीज बिल दरवाढ कमी करण्याची घोषणा करण्यात आली, मात्र प्रत्यक्षात बिल कमी न करता सेक्शन 66 अंतर्गत कनेक्शन तोडण्याचा धडाका लावला. महावितरणानं 75 लाख वीज ग्राहकांना कनेक्शन तोडण्याची नोटीस पाठवून महाराष्ट्रातील 4 कोटी जनतेला अंधारात टाकण्याचे दुष्कृष्य केलेले आहे. याचा निषेध करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी खारघर तळोजा मंडळाकडून महावितरणाविरोधात टाळाठोको आणि हल्लाबोल आंदोलन व निषेध करण्यात आलाय. यावेळी खारघर तळोजा मंडळाचे अध्यक्ष ब्रिजेश पाटील, प्रभाग समिती असभापती अनिता पाटील, नगरसेवक अभिमन्यू पाटील, शत्रुघ्न काकडे, हरेश केणी, रामजी बेरा, नगरसेविका आरती नवघरे, हर्षदा उपाध्याय, सरचिटणीस दीपक शिंदे, कीर्ती नवघरे, युवा अध्यक्ष विनोद खरत यांच्यासह लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्य जनता मोठ्या संख्येनं या निषेध मोर्चात सामील झाले. देश पूरा राष्ट्र जिसको वहाँ बकास आघाड़ी बोलते हैं, उनकी सरकार में कोरोना काल में जहाँ लोग बहुत दुखी थे, किसी के रोजगार के साधन नहीं थे, वो समय में MSME ने बहुत बड़ा झटका दिया प्रजाजनों को. और जितने भी लाइट बिल हैं सबके ऊपर बहुत भारी बीज दर बढ़ाया. आप देखेंगे सभी के घर पे 30,000, 40,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, मैंने तो सुना है खारघर में 7-7 लाख तक पर बिल आए हैं. ऐसे कई हमारे नगरजन हमारे बीच में उपस्थित हैं जिनके घर में वो सोच भी नहीं सकते, उनके जीवन में जब से जन्म तक अभी तक वो पैदा हुए इस तक इतने बड़े बिल कभी उसने देखे नहीं है. पूरा महाराष्ट्र स्टेट आज ये बीज बिल के कारण त्रस्त है. हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, हमारे विरोधी पक्ष नेते आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ये महाविकास आघाड़ी के सामने बहुत बार प्रस्ताव रह चुके. अपने नेताओं ने बताया कि आपने कमिटमेंट किया था कि हम बस बीज दर कम करेंगे, मगर वो लोग अपने वायदे से मुकर गए हैं. तो आज पूरा देश जाग चुका है. आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी खारघर तळोजा मंडल के माध्यम से आज MSME खारघर सेक्टर 12 के सामने ताला ठोकने का कार्यक्रम किया है. तो आज सभी को विनती करता हूँ कि आप सभी अभियान में जुड़िए. और मैं महाविकास आघाड़ी को विनती करता हूँ, अगर आप आगे से ये आंदोलन में आपने अगर आगे से कुछ निर्णय नहीं लिया तो हम लोग MSME में परमानेंट ताला डालने वाले हैं. बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय.